राष्ट्र, राष्ट्र प्रेम, ये आज हम बहुत कुछ हमारे जो है शास्त्रों के अंदर पढ़ते हैं कि राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। राष्ट्र वो जगह होती है, राष्ट्र वो एरिया होता है जिसके अंदर रहते हैं, जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत में रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भारत आर्यों, आर्यों की संतान कही जाती है और भारत एक आर्य देश कहा जाता है, और भारत को छोड़ करके दूसरे देश अनार्य देश कहे जाते हैं। आर्य देश के अंदर धार्मिकता है, आर्य देश के अंदर भगवान की बात की जाती है, आत्मा की बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है, उत्थान की बात कही जाती है। यही कारण है कि भारत हमेशा से धर्म गुरु देश रहा है, और भारत ने निःशस्त्रीकरण के बारे में बड़ी वकालत की है, और यहाँ पर कई तरह के अहिंसा जैसे बड़े बड़े उपक्रम जो विश्व के सामने रखे हैं, पंचशील का सिद्धांत रखा है, और आज विश्व ये मानता है कि अगर विश्व के अंदर जो आज जखीरा भरा पड़ा है, इतना जखीरा अणु बम्बों का भरा पड़ा है कि आज 7 अरब की जनसंख्या को समाप्त करना हो तो 7 मिनट लगेगा। आज विश्व को यह बिल्कुल जानकारी है, बिल्कुल विश्वास है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि हमें इसे रिलीफ दे सकता है, आतंकवाद से जो हमें छुटकारा दे सकता है, जो हमारी वैश्विक समस्याएं हैं उसका समाधान देने वाला भारतवर्ष है। यूएनओ के अंदर बात उठती है तो भारत उसका नेतृत्व करता। हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री बने और यूएनओ के अंदर उनको बुलाया गया तो 15 मिनट का समय फिक्स था, लेकिन उन्होंने हमारे देश की फिलॉसफी बताई कि हम अहिंसावादी हैं, हमारा योग, हमारी भारत की संस्कृति योग, हमारा भारत का जो है कि हमने क्रिएट यहां से हुआ, योग के द्वारा जो है हमारे ऋषि मुनि इमांसिपेशन साल्वेशन तक जो पहुंचे हैं, और दूसरा क्या जो हमारी फाउंडेशन है वो अध्यात्म पर आधारित है। जब से भारत देश बना है तब से हमारी फाउंडेशन जो है वो अध्यात्म के ऊपर रखी गई है। हम मात्र लौकिक जगत की बात नहीं करते हैं, हम पारलौकिक जगत की भी बात करते हैं, हम भीतर और बाहर का सामंजस्य बनाते हैं, हम लौकिक और पारलौकिक जगत का सामंजस्य बनाते हैं, हम किसी चीज की एक जगह इतिश्री नहीं करते, हम आत्मा में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, उससे क्या होता। जब इन्होंने भारत की इतनी फिलॉसफी वकालत की, उनको 35 मिनट दिए गए, और देखिए कितना बड़ा काम हिंदुस्तान के लिए आज हुआ है। अगर उन दोनों बातों को हम सुने तो ये सारी बातें क्यों बताई जा रही है कि मेरा देश कैसा है, मेरा राष्ट्र कैसा है, मेरे राष्ट्र की क्या योग्यता है, और इसके अंदर रहना, इसमें जन्म लेना मेरे लिए गर्व, गौरव और फक्र की बात है। तो उसका क्या नतीजा हुआ आज भारतवर्ष के अंदर, भारतवर्ष के अंदर 2 बड़े-बड़े कार्यक्रम जो भारत के हैं, पूरा विश्व जो है वो 210 देशों का जो विश्व है, यूएनओ है, उसके अंदर 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है वो अहिंसा के रूप, अहिंसा दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है, क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसी हस्ती है जिसको विश्व ने माना कि बिना कोई भी अस्त्र के जो है उन्होंने अहिंसा को अस्त्र बना करके और अंग्रेजों को जो ये बाउंड किया, उन्हें देश छोड़ना पड़ा, केवल अहिंसा के आधार पर, सत्य के आधार पर उन्होंने बड़े बड़े इतने बड़े विशाल साम्राज्य की जड़ों का उन्मूलन किया। इसीलिए आज 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, विश्व का अहिंसा दिवस मनाया जाता है, और 21 जून को प्रतिवर्ष जो है वो ये हमारा योग दिवस मनाया जाता है। पिछले 3 साल से विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये कितना हमारे लिए फक्र और गौरव और गर्व की बात है। देश प्रेम की और बहुत बहुत बातें की जा सकती है, देश प्रेम के लिए, देश आजादी के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे और कई कई लोगों ने कुर्बानियां की और वो फांसी पर चढ़ गए, तब हमें आजादी मिली। आजादी बहुत बहुमूल्य है, बहुतों के बलिदान के, बहुतों के परिश्रम, बहुतों के सेक्रीफाइस के बाद हमें आजादी मिली है। तो ऐसा हमारा देश है, उस देश के प्रति हमारा राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, और उस हम देश के नागरिक हैं, यानी इस देश के रहने वाले हैं, तो हमारे क्या दायित्व है, वो आज का विषय है कि नागरिकों के राष्ट्रीय दायित्व क्या है। देश हमें पहचान देता है, विश्व के किसी कोने में हम जाते हैं तो कहते हैं आई केम फ्रॉम द इंडिया, आई एम इंडियन, और माय फिलॉसफी इज ऑफ द नॉन वायलेंस, वी बिलीव इन कॉपरेशन, वी बिलीव इन रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वी बिलीव इन मॉरल वैल्यूज,
we believe in so many good things in the cooperation, such thing we give the introduction to other persons of the country, because these values we are living in our country, or these are the fundamentals of our country. तो इसीलिए हमारे दायित्व कैसे हैं? जब तक देश उन्नति तब तक नहीं कर सकता जबकि नागरिक अपने दायित्व न ले। तो देखिए कुछ दायित्वों की हम चर्चा करें कि हमने ये तो मान लिया कि हमारे लिए गर्व और गौरव की बात हो भारतीय होना, लेकिन हमारे दायित्व क्या है? सबसे पहला दायित्व ये है कि हमारा जो झंडा है, तिरंगा झंडा है, उसकी प्रतिष्ठा को आँच नहीं आनी चाहिए। यानी हम कोई ऐसा कृत्य नहीं करें अपने देश के अंदर और दूसरे देश के सामने ऐसा कृत्य प्रस्तुत नहीं करें जिससे कि देश हमको पर हमारे पर घृणा करें, जैसे आतंकवाद, दूसरे देश पर हमला करना और दूसरे देश के नागरिक हमारे आवे उनके साथ के अंदर जो है बुरा व्यवहार करना, ताकि कि लोगों को ये लगे कि हम तो मेहमान बन करके आए थे और हमारे साथ के अंदर रेप कर दिया गया, हमको मारा गया, हमको पीटा गया। ये हमारी संस्कृति है? हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति अतीतो देवो भव। जब बाहर का व्यक्ति हमारे यहाँ आए तो हमें अतिथि के रूप में रखना चाहिए और हर तरीके से उसको लुभाने की कोशिश करनी चाहिए, हमारी संस्कृति के बारे में बातें बतानी चाहिए। तो पहली चीज है कि हमारा तिरंगा, जो कि हमारा प्रतीक है हमारी आजादी का, हमारी राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय प्रेम का, उसको किसी तरह की आँच नहीं आनी चाहिए। और आँच तब आएगी, नहीं आएगी, जब हम कोई भी कुकृत्य नहीं करेंगे। और दूसरा है हमें हमारी संस्कृति की रक्षा करना। सबसे बहुमूल्य बात यह है कि आज हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य गिर रहे हैं, और हमारे इस पुनरुत्थान कार्यक्रम का भी उद्देश्य यह है कि भारतीय संस्कृति के गिरते हुए मूल्यों की पुनर्स्थापना करना, चाहे वो मानवीय मूल्य हो, सांस्कृतिक मूल्य हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो, व्यावसायिक हो, किसी शैक्षिक हो, कोई तरह के मूल्य जो गिर रहे हैं उनकी स्थापना करना ये हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो हमारे मूल्यों की पुनर्स्थापना करना, और वो मूल्य पुनर्स्थापित कब होंगे? जब हम लोग का करैक्टर अच्छा होगा, हमारा आचरण अच्छा होगा, हमारे हम जो कार्य करेंगे उसके अंदर हमारी ईमानदारी झलकनी चाहिए, नैतिकता झलकनी चाहिए, क्योंकि नैतिकता ईमानदारी ये हमारे भारतीय मूल्य हैं। ये पूर्वजों ने हमें सिखाए हैं। हमारे पूर्व जो है कितने नैतिक हुआ करते थे। लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण लेकर के देखिए कि वो जो है वो बचपन के अंदर उनकी इतनी जो है पावर्टी थी, गरीबी की अवस्था थी, कि उनको इतने कम पैसे मिलते थे, जो स्कूल जाते थे स्कूल की फीस भरने के मात्र पैसे मिलते थे, इसीलिए नदी आती थी उनके घर से स्कूल तक, वो नदी को तैर करके जाते, क्यों? पैसा बचाने के लिए जाते थे। और उनके पास में ऐसी स्थिति थी कि इतने समय तक जो है वो प्रधानमंत्री रहने के बाद भी रहने के लिए कोई अच्छा मकान तक नहीं था, और वो कितना संयम करते थे, वो अपने कपड़ों का संयम करते थे, क्योंकि देश के प्रति उनकी भक्ति थी, उनके जीवन में नैतिकता थी, वो आचारवान थे, वो निष्ठावान थे, ही वाज ए मैन ऑफ करेक्टर, ही वाज ए ऑनेस्ट मैन। तो ऐसे आप अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, सरदार पटेल को देखिए, उन्होंने हमारे देश के लिए कितना किया, हमारी संस्कृति के लिए कितना किया। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 आवर्स जो है, नरेंद्र भाई मोदी 24 आवर्स हमारे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति जो है धरोहर को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी संस्कृति को कोई भी दाग न लगे।